और बड़ी खबर, आर्यन केस में आज फैसला नहीं, कल भी जारी रहेगी सुनवाई। जमानत पर करीब एक घंटे तक सुनवाई चली है, तो आर्यन को आज भी राहत नहीं मिली है, कल भी इस मामले को लेकर सुनवाई जारी रहेगी। तो बेहद अहम खबर, आर्यन की जमानत याचिका पर कोई फैसला आज नहीं आया। कारण का है, ऑलरेडी अक्यूज नंबर 2 आर्ग्युमेंट्स मध्ये पण अर्धा तास एक तास लागणार होता आणि माझ्या केस मध्ये पण मला ऍटलीस्ट अर्धा तास लागेल आर्ग्युमेंट साठी, तर कोर्टने उद्या ऑर्डर उद्या कंटिन्युएशन आर्ग्युमेंट साठी ठेवलंय। तुम्हाला वाटतं का की उद्या ऑर्डर येईल दिवसाच्या नंतर? होपफुल, आम्ही होपफुल आहोत। उम्मीद है पूरी की कल सबकी आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगी, इसी उम्मीद है, लेकिन अभी देखते हैं, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट के दो ही दिन बचे हैं, कल के बाद जब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है या फिर दिवाली वेकेशन से पहले? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, हमारे पास वक्त है ऑलरेडी, कोर्ट ने कल के लिए इसको फिक्स हियरिंग रखा हुआ है सेकंड हाफ में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी ऑर्डर है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो फ्राइडे या फ्राइडे से पहले आ जाए, इसी उम्मीद है। नहीं ते अननेसेसरी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ते या केस मध्ये घातला आहे आणि ज्या ज्याचा काय जस्टिफिकेशन नाही ते फक्त फ्रेंडली कन्वर्सेशन होती 2018 ची। जब अमित जी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो अम्ब्रेला कॉन्स्पिरेसी में जानबूझ के सबको रखा गया ताकि सबको उसमें फंसाया जाए, ये एक आर्ग्यूमेंट किया, इससे क्या आप सहमत हैं क्योंकि आप भी अक्यूज के लॉयर हैं? नहीं, ये जो अम्ब्रेला की जो बात, बिल्कुल ये जो बात की गई है कि सबको एक सेक्शन में इन्वोक करने के लिए सेक्शन 29 इन्वोक किया और सबके ऊपर इन्वोक किया है, इनफैक्ट उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई है कौन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप अगर कॉन्स्पिरेसी बोलते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सब इक्वली कनेक्टेड है, यहाँ पे जब कितने लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फिर वो कनेक्टेड कैसे होगा? स्मॉल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी बनाने के लिए भी हो सकता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो बोलना है शुरू से यही है कि स्मॉल क्वांटिटी के केसेस में सीएमएम कोर्ट के पास पावर होता है ट्रायल चलाने का, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कर दिया है कि सीएमएम कोर्ट के पास से इसको मेंटेनेबिलिटी का इशू आ गया, इसी वजह से, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी से और इंटरमीडिएट क्वांटिटी से इक्वल करके सेक्शन 29 इन्वोक करके इसको सीएमएम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर निकल गया। एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला, कारण ज्या व्हॉट्सअप चॅटच्या आधारे वारंवार एनसीबीकडून जामीन अर्जाला विरोध केला गेला त्या प्रकरणाचा आणि क्रूजच्या प्रकरणाचा संबंध नाही असा एक महत्त्वाचा, तर याला जोडून जो आरोपी बाहेरनं 17 अटक करण्यात आलेला आहे तो त्याच्या घरातनं अटक केला होता त्याचा या प्रकरणाशी संबंध नव्हता, याबाबत काय सांगा? कोणता कोणता आरोपीचा? जो 17 आरोपी आहे 17 अचित कुमारचा हो, ते एनसीबीचा असा बोलणं आहे अलिगेशन मध्ये, त्यांचा पश्चिमा मध्ये की ते त्याचा घरी गेला होता पवई मध्ये आणि अटक केला, पण हे कम्प्लिटली खोटा आहे, कारण काय जे एनसीबी हा केस मोठा करण्यासाठी त्याच्या विरोधात त्यांना अचित कुमारला ड्रग पेडलर बोलतात ते कम्प्लिटली खोटा आहे, कारण काय मी अचित कुमारला पण ओळखते पर्सनली। कारण केस में आज फैसला नहीं आया है, कल दोपहर 3 बजे एक बार फिर से जमानत पर सुनवाई होगी, आज उम्मीद की जा रही थी कि सुनवाई के बाद कोई फैसला आ सकता है लेकिन कल भी सुनवाई जारी रहेगी, कल माना यह जा रहा है कि सेकंड हाफ में यानी कि करीब 2:30 से 3 बजे के बीच इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, आज भी एक घंटे तक सुनवाई चली, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन फैसला अभी नहीं आया है।